मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। ये क्या चल रहा है जी? भावना के प्यार की वजह से तुम भावनाओं में क्यों मह रहे हो? अरे वाह भावना की वाह, आ गई तुम भी। प्लीज सिट डाउन, एक पैग लगाओ, बताता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अब कोई पीना नहीं, छोड़िए इसे, छोड़िए। ये क्या पागलपन है? तुम दोनों एक ही हो, तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। बहादुर लोग मरते नहीं हैं, उल्टा मारते हैं। अच्छा, वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो लकी और कौन? तो फिर लकी को मार डालो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये क्या किया बेटी, उसे कुछ हो गया तो? वो लकी है मामा, माइंड ब्लो कर देता है। ए, वो दुल्हन को भगा कर ले जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है लकी। सुनने तो अच्छा लग रहा है लकी, सच में तुम्हारे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं? अगर नहीं करते तो इतने सारे रिश्तों को ठुकराते। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। तुम्हारे दिल में मेरे भैया ना भी, इसलिए कोई पसंद नहीं। ऐसा ही पता नहीं क्या क्या कहकर मुझे ले जा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे कहने पर ही तो पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा था। तुम्हें पुलिस ऑफिसर पसंद नहीं है? पसंद तो है। हाँ, तुम्हारे मन की बात पढ़ ली। हाँ, तो फिर चलो। हाँ, लेकिन चलूँ तो चलूँ कहाँ से? इस तरफ। वो छोड़ो, मुझे बताओ यहाँ इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं? लड़की वाले आए हैं। मेरी परमिशन के बिना लड़की वाले क्यों बुलाया तुमने? मेरे लिए नहीं, भैया के लिए। वो लड़की को रिजेक्ट कर देंगे। दोनों ने पसंद कर लिया है। गॉड, ये क्या कह रही हो तुम? अरे और कितने दिन नाना करता रहेगा? आईजी की बेटी का रिश्ता। आईजी की बेटी का रिश्ता? अब सिर्फ एक शुभ मुहूर्त का इंतजार है। हाँ तो पंडित जी बताइए। देखिए अगले महीने की 20 तारीख को बहुत ही दिव्य मुहूर्त है। मेरे लिए ये ओके है? मेरे लिए ओके नहीं है। मैं इस घर का मेंबर हूँ या नहीं, मुझे बताए बिना रिश्ता कैसे तय किया? अब मेरा क्या होगा? ये मेरा छोटा बेटा है। ओह अच्छा, तो वो होनार छोटे तुम ही हो। तुम्हारे बारे में सबने बताया कि खोटे सिक्के तुम ही हो। तुम्हारे बारे में भी सबने बताया, जिसकी घर में अच्छी मालिश होती है वो तुम ही हो। अरे क्या कर रही हो, इसकी बात का बुरा मत मानो, तुम अपनी लाठी की मालिश जारी रखो। लड़की, अब मैं क्या मुंह लेकर बाहर जाऊंगा? ओए सुन, एक्स्ट्रा मुंह मत चला, मुझे पता था तू काम बिगाड़ेगा, इसलिए तेरे बिना सब सेट किया। ओह माय गॉड, वो तो मेरी जान ले ली। ओए, ये कार किसकी है पता है? ये सीपी साहब की, और मैं उनकी होने वाली पी गई। चल भट, भट, भट। मैं इसको सच कैसे बताऊंगा? ओए, ओए, ओए।
मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं इसी लिए बंद के ही रहूंगी। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, जैसे मेरी शादी छुपाई वैसे अपने भैया की शादी छुपाओगे और मेरी शादी उनसे करवाओगे। बोलो बोलो बोलो, दिखाई नहीं देता। शादी के मंडप से, दूसरी तरफ आईजी की बेटी जो मेरे लिए बैठी है मंडप में। वर्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बताता हूं, ये प्यार बहुत पुराना है, इसे कट नहीं कर सकते। आईजी की बेटी को कल्टी दीजिए। ओए, तुझे क्या इतना आसान लगता है? आसान है सर, हर घर में काम बिगाड़ने वाला एक इंसान जरूर होता है, वही इंसान आपका भी रिश्ता तोड़वाएगा। वो कौन, मेरा भाई? हाँ सर, वही ये काम कर सकता है। सर जल्दी से जाकर उसके पैर पकड़ लीजिए। अरे बाप रे, इडियट, अब तक उसने मुझसे मदद मांगी है और तू चाहता अब मैं जाऊँ उसके पास? मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है सर। मतलब मेरा भाई गधा है? पहली बार अंकल की बात की है। आपने मुझे पहली बार समझा सर। मेरा भाई गधा है। छोटा भाई गधा है तो बड़ा भाई क्या हुआ? हाँ अब सब ठीक है सर। सर मैंने सारी बातें क्लियर कर ली है, आप कंफर्म कर लीजिए। क्या बड़ी किस्मत है मेरी जिसके पास आना पड़ा। तुझे जो समझाया गया ना बस वही कर। मतलब क्या करूं? तुझे अपना फर्ज निभाने का मौका मिला है, उसका फायदा। वो तेरी, साफ-साफ कह दे तुझे मेरी हेल्प चाहिए। ए, तूने जो कपड़े पहने हैं, जूते पहने, वो सब मैंने दिए। जरूरत भी तेरी है। इसलिए तो कह रहा हूँ अपना फर्ज निभा। वार्निंग नहीं चलेगी भैया, रिक्वेस्ट चाहिए। मेरा प्यार वापस आ गया इसलिए तुझे मेरी शादी तोड़वानी है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भैया, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एक्चुअली रिक्वेस्ट करूँ? सर वो गधा है, गधा, आप जाइए। छोटी सी रिक्वेस्ट। अच्छा सुन, मेरी और आईजी की बेटी का रिश्ता तोड़वाना है। लेवल ठीक नहीं है। क्या कहा? अच्छा सुन मेरे भाई, कैसे भी हो मेरा और आईजी की बेटी का रिश्ता तोड़वाना है। ओह माय गॉड, मुझे क्या तू रुलाएगा? बस कर पगले, बस कर। ए मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा रिश्ता तोड़वा दे, कैसे भी इस मुसीबत से निकाल मुझे। काम होगा। अरे क्या हुआ, मैं अस्पताल कैसे पहुंच? लेट जा, लेटोगे तो ही काम होगा। हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़ मैं जो कहूंगा वही कहना। मैटर क्या है बताओ। मैटर तो बताने आया हूँ मैं। यू मीन काम तमाम? करेक्ट। ओके ओके। Not again. Doctor, Ram को क्या हुआ? Hello, I am Lee, Dr. Bali, Malaysia Return. क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। I am P, J P. ठीक है कहीं भी मार देता हूँ मैं। I see. Room number 60. You need checkup. So come. क्या हुआ डॉक्टर? यहाँ किसके उसमें दम है? किसमें? दिल में। तुम इतने excited लग रहे हो, तो तुम्हारा ही होगा। चलो साइड में चाय पीते हैं। लेकिन बात क्या है वो बताइए ना डॉक्टर। वो अंदर जो है वो आपका दामाद है क्या? नहीं, होने वाला है। ओहो, उनका ये क्या है? एक अनजानी जगह चोट लगी है और कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म मतलब? लेफ्ट टूट गया, राइट फूट गया, बीच का मामला पूरा साफ हो गया। जरा खोल के बताइए ना डॉक्टर साहब। कैन आई यूज योर लाठी? हाँ ले लो। आप इसके बिना ड्यूटी कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका ये काम से गया।
मतलब अब नामुमकिन है ना डॉक्टर? तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए मुश्किल है। वो मेरी बेटी नहीं है, ये है। आई फील सो सॉरी। तुम इससे दूर रहो। आर यू श्योर डॉक्टर? मशीन ने ऐसे ही बताया। लेकिन मशीन ठीक ही बताएगी, इस बात की क्या गारंटी है? एक काम करो, अपनी बेटी को रूम में भेज दो, वो खुद बताएगी किस्सा डंडे का। डैडी मैं जाऊँ क्या? जल्दबाजी मत कर, रुक जा। तो ठीक है, मैं जा सकता हूँ क्या? जाओ। करने से बहुत प्यार है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। बेटा हुआ क्या? पापा मुझसे मत पूछो। हालात क्या है ये तो समझ गए होगे, बस थोड़ा धीरज से काम लो। कहीं आप शादी तोड़ने की बात तो नहीं?